हरदा जिले के पटाखा गोदाम में भीषण हादसे के बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इस घटना के बाद से जिला प्रशासन ने शहर के पटाखा दुकानों और गोदामों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत शहर के सिवनी रोड स्थित विभिन्न पटाखों की दुकान और गोदामों को निरीक्षण शुरू हो गया है। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में जितनी भी पटाखों की दुकानें और पटाखों के गोदाम संचालित हो रहे हैं, उन सभी की जमीनी स्तर पर जांच कर रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत की जाए। अगर कोई फैक्ट्री या दुकान विस्फोटक सामग्री निर्माण करने के नियमों के अंतर्गत संचालित नहीं हो रही है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएं। छिंदवाड़ा से संवाददाता मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। माननीय डीएम महोदय के निर्देश अनुसार आज हमने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के और विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करने वाली सभी पटाखा दुकानों का और फैक्ट्रीज का निरीक्षण किया जा रहा है। सुबह से आज यही काम चल रहा है और सभी सुरक्षा मानकों को देखा जा रहा है। हमारे साथ सीएसपी राणा साहब हैं और हमारे प्रोबेशनर डिप्टी कलेक्टर पटेल साहब भी साथ में हैं, तहसीलदार साहब हैं, सभी पूरी टीम है और हम लगातार शहर में सभी स्थानों पर जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर हम तहसीलदार को भी भेजा है और हम भी यथासंभव आज हमारे जितने भी पटाखा विक्रय करने वाले थोक और चिल्लर व्यापारी हैं, निर्माण करने वाली फैक्ट्रीज हैं, उन सब का मुआयना कर लेंगे।